गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अभी नहा के आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं पितरों को पानी देने के लिए। आज है जीवतिया का नहा खा, तो नहा खा के दिन नहा के ना सबसे पहले पितरों को पानी देते हैं और उसके बाद ये दान के लिए निकाल के रखते हैं, इसको छूते हैं। तो इसमें है आटा, आलू और घेवड़ा, मतलब जो झिगुनी होता है वो, और नमक, हल्दी, अचार, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें छूते हैं। तो वो सब करने के बाद यहाँ हस्बैंड चढ़ा दिए थे चाय और मैं आ गई हूँ, अभी चाय बन गई है तो चाय को छानने के लिए, और इसके बाद जाके चाय पियेंगे। उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो आज मैं लेटी नहीं, मैं सोची साथ के साथ ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, फिर लेट जाओ तो बहुत आलस आ जाता है। तो अभी बनाऊँगी मैं मिक्स सब्ज़ी, आलू, चना, झिंगुनी और नोनी के साग की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस चढ़ा के जीरा तड़के में डाल दिया है, उसके बाद आलू डाल दी हूँ और ये है चना भिगो के रखी थी, इसको निकाल लेती हूँ। आलू जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी चने। तो यहाँ पे देखिए आलू फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसमें चने को डाल दी हूँ। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये नोनी का साग मैं निकाल रही हूँ। ये सब की ही आज सब्जी खाते हैं और ये देखिए ये होती है नोनी की साग और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पर अभी मैं इन सबको भी डाल दूंगी, नोनी का साग और जो झिगुनी मैं काट के रखी हूँ, और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आज के दिन लहसुन प्याज नहीं बनता है, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई जाती है। और उसके बाद सब अच्छे से फ्राई हो गया है तो मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी जो भी सब्ज़ी में डलती है, और एक टमाटर कट करके डाल दूँगी। और उसके बाद मसाले को फ्राई करके पानी डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए अभी आलू थोड़ा सा और पक जाएगा ना, उसके बाद ये सब्जी अच्छे से बनके हो जाएगी तैयार। तो फिर गैस ऑफ कर दूंगी और इसके बाद आगे का करेंगे काम, तब तक फ़िलहाल इसको ढक देती हूँ और उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे आज बनाना है आलू के पराठे। और यहाँ पे गेहूँ का आटा लगा के रख दी हूँ। उसके बाद ये है मंडुए का आटा, तो आज जीवतिया का नहा खा है ना, तो इसमें आज मंडुए के आटे की ही रोटी खाते हैं। तो मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, मैं आलू पराठा ही इसका भी बनाऊँगी। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई थी तो मैं तवा चढ़ा दी और फटाफट से मंडुए के आटे में, मैं सोची पहले यही वाली रोटी बना के रख लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ भर भर के बनाते हैं और इसको हम बेलते नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही टूटता है, इसको हाथों पे ही इस तरह से दबा दबा के बनाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, इतनी अच्छी मतलब रोटी बनी थी, मतलब जो भी ये पराठा आलू भर के, और बिल्कुल भी ना टूटा नहीं है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और अभी इसको फिर धीरे धीरे पलटते हैं तवे पर, और दूसरा भी मैं यहाँ भर के रख लेती हूँ और जब पहला बन जाएगा फिर उसके बाद इसको भी डाल दूंगी। अभी लोई बना के और आलू उसमें भर के रख दी हूँ और इस तरह से इसको पलटते हैं, और बहुत ना बचा बचा के पलटना पड़ता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा टूटता है ना। तो देखिए इस तरह से मैं पलट दी हूँ, दोनों साइड लगा लूँगी इसमें तेल, जो भी लगाना चाहे आप, घी, तेल, रिफाइंड, जो आपका मन हो, सबके साथ टेस्टी लगता है। और देखिए कितनी अच्छी फूली फूली हुई बन गई है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आयुषी मोम एंड क्रिएटिविटी। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गया है 7:30 का टाइम, आप सब देख सकते हैं, घड़ी दिख रही है, हाँ आप जाके देखिए। तो अभी हो गया है 7:30 का टाइम और लगभग सारा काम निपट गया, सिर्फ झाड़ू और पोछा को छोड़ के, झाड़ू पोछा करना है अभी मुझे। सुबह आज मैं सुबह उठ गई थी 4:30 में, और आजकल मैं वैसे भी सुबह 4:30 ही उठ रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की 6 बजे वाली ड्यूटी है तो उन्हें 5:30 जाना होता है। तो आज मैं उठ के 4:30 बजे उठी और मैं 4:45 में नहाने चली गई थी, और नहा धो के पितरों को पानी देते हैं वो सब की, और वो छूते हैं मतलब दान करने के लिए, आटा वगैरह जो अभी आप लोगों ने देखा होगा वो सब करके फिर मैं खाना पीना बनाई। और आज ये सब क्यों की, क्योंकि आज है जीवतिया का नहा खा, तो जीवतिया के नहा खा में ये सब करते हैं। जैसे जिसकी सास नहीं होती है ना तो वो पितरों को पानी देते हैं, पहले जब माँ थी ना तो हम लोग नहीं देते थे, पर जब से माँ नहीं है ना तो हमें देना पड़ता है। तो बस वही सब करके और खाना बनाई, मंडुए के आटे में आलू भर के, मतलब मंडुए के आटे का आलू पराठा, वो मैं सिर्फ अपने ही लिए 2 बनाई हूँ क्योंकि बाकी कोई खाता नहीं है, बाकी सबके लिए मैंने गेहूँ के आटे में बना दिया हुआ है। और सब्जी बनाते हैं जो झिंगनी, चना और नोनी का साग, ये सब डाल के। और आप लोगों को पता है नोनी का साग मतलब हर साल जीवतिया में ही मिलता है, मतलब गांव में तो वैसे मिल जाता है पर यहाँ पे ना जीवतिया में ही मिल पाता है, बाकी ऐसे नहीं मिल पाता है। और जब भी नोनी का साग मिलता है ना, मतलब सच में दिल से बता रही हूँ ना, मुझे मेरी सास की इतनी ज़्यादा याद आती है ना कि क्या बताऊँ, मतलब हमारे गांव में ना पीछे आंगन है
तो वहाँ पे पहले मिट्टी थी, तो वो ना खूब सारा उसमें ये नोनी का जो साग होता है ना, इसको छीट दीजिए ना तो ये बहुत जल्दी मतलब कि फैल जाता है, तो वो खूब सारा छीटती रहती थी और मतलब छीट देती थी, तो बहुत सारे नोनी का साग उसमें उपज जाता था। तो जब भी हम लोग घर रहते थे ना, तो इस सीज़न में ये साग बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब होता है। तो वो रोज़ ना सुबह शाम उसको नोच नोच के लाती थी और उसको धो के और रख देंगी, और हम लोग हर सब्ज़ी में, आलू में भी डाल देंगे, बैंगन के साथ डाल के बना देंगे, मतलब कोई सी भी, जैसे जो ये घेवरा बोलते हैं नेनुआ, उसकी सब्ज़ी में डाल देंगे, आलू चने की सब्ज़ी में डाल देंगे। और ये ना खट्टा खट्टा सा लगता है जो ये नोनी का साग होता है, तो ये इतना मतलब जिस भी सब्ज़ी में डाल दीजिए ना, सब्ज़ी भी खट्टी खट्टी सी हो जाती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता था, वैसे वो खूब सारी उपजाई रहती थी तो लेके आएंगी, तो हम लोग हर सब्ज़ी में डाल के बनाएंगे, इसकी पकौड़ी खाएंगे हम लोग। तो मतलब जब भी जीवती आता है और जब भी नोनी का साग मिलता है ना, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस बस ऐसे ही थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी इसलिए कैमरा बंद कर दी। तो आप सभी के यहाँ आज ज्योतिया के नहाखा में क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाया जाता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसे कैसे किया जाता है। और कल है ज्योतिया, तो कल तो सुबह उठ के सरगी करते हैं, और आज शाम को भी पता है बनाते हैं पूरी, पुआ, सेवई और यही झिगनी जो होता है और नोनी का साग, इन सबको मिक्स करके सब्जी बना देते हैं, और ये सब ना सुबह देते हैं, जो ये झिगनी आता है इसके पत्ते पे पितरों को बोलते हैं, चीलो सियारों को ऐसे कुछ बोलते हैं, उन लोगों को दिया जाता है सुबह सुबह 3 बजे उठ के। और उसके बाद सरगी करते हैं, चूड़ा दही खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, चाय पानी सुबह ही मतलब पी लेते हैं, मतलब 4 बजे के पहले पीना होता है। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग तीज में 24 घंटे निर्जला रहते हैं ना, वैसे ही हमें जीतिया में भी निर्जला रहना होता है। और तीज में तो कम से कम इतना है ना कि सुबह उठ के हम लोग पानी पी लेते हैं, मतलब नहा के और पूजा वगैरह करके। पर ज्योतिया में क्या होता है ना कि पारण का जो होता है वो टाइम होता है कि इतने बजे पारण करना है, इतने बजे पारण करना है। तो इस बार तो ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं है, 6 बजे पारण करना है, तो 6 बजे के बाद हम लोग पानी वानी पी लेंगे। और पिछली साल तो 10-11 बजे के करीब था, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लग गई थी, क्योंकि सुबह उठो तो बर्दाश्त नहीं होता है। और इस बार तो गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तीज के टाइम पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, पर 2-3 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा अभी गर्म हो गया है। अब देखते हैं, आज बारिश हो जाती ना तो बहुत सुकून मिलता कल ज्योतिया का व्रत रखने में, अगर आज बारिश नहीं हुई और धूप निकली रह गई तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और यहाँ पे देखिए, वंश को दे दी हूँ मैं दूध और वो लेटे लेटे दूध पी रहे हैं, तो आयुषी को छोड़ के आई, फिर मैं उसको दूध दे दी और यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं अपनी चाय लेके। तो अभी मैं पीऊँगी चाय और इसके बाद बस झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो सारा काम हो जाएगा, और नहाना धोना, नहा लो ना सुबह सुबह, बस सिर्फ नहा लो ना तो ऐसा लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया है, और जब तक नहाओ नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई भी काम नहीं हुआ है। और सुबह उठ के मैं सिर्फ नहा ली हूँ ना, इतने से ही ऐसा लग रहा है कि अब कुछ काम नहीं है, बस झाड़ू पोछा ही तो है, और वही झाड़ू पोछा करके जब नहाओ तो ऐसा लगता है झाड़ू पोछा करना है, नहाना है, अभी बहुत ज़्यादा काम है, पर बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह नहा के। तो चलिए गाइस, मैं चाय इन्जॉय करती हूँ, पीती हूँ, और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चाय पीने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, और उतने देर में वंश ना खुद से ही नहा लिया, ये खुद से नहा लेता है। मैं नहा लिया, मैं नहा लिया। आप लोग नहाए कि नहीं? और अब बाबू कहाँ जाएगा? मैं स्कूल जाऊंगी। स्कूल जाओगे? आपको। हाँ, और आपको स्कूल में अच्छा लगता है? आपको। ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, गंदी बात। अब बाबू मंकी कैसे करता है, और एलिफेंट, कैट, भौं भौं कौन करता है, भौं भौं कौन करता है, और फिर मैं आ गई थी अपने पूरे घर में पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए वंश को खिला देती हूँ फटाफट खाना, और खाना खिलाने के बाद स्कूल का टाइम हो जाएगा, मैं इसको लेके जाऊंगी छोड़ने। तो यहाँ पे देखिए खिला पिला के मैं इसको जा रही हूँ छोड़ने। अभी मैं आ गई हूँ वंश को स्कूल से छोड़ के, और जब मैं वंश को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तभी मैं
चाय चढ़ा के गई थी और जब तक मैं छोड़ के आई तो चाय बन गई। और यहाँ पे मैं देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ और मंडुए के आटे का जो मैं आलू पराठा बनाई थी वही आज खाना है। और ये मिक्स सब्जी है, आलू चना नोनी का साग और नेनुआ की सब्जी, ये सब मिक्स करके और तब मैं बनाई हूँ। और ये है मेरा मंडुए के आटे का पराठा और देखिए ये कितना अच्छा बना है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। और नहीं तो वैसे मतलब अक्सर ये ज़्यादातर टूट ही जाता है। और अभी मैं चढ़ा दी हूँ सीटी बज रही है इसीलिए सूख हो गई हूँ। तो अभी मैं दाल चढ़ाई हूँ और आज अरहर की ही दाल बनाते हैं, मसूर की दाल नहीं खाते हैं। तो मैं सिर्फ अरहर की दाल ले आई हूँ और वही बनाई हूँ, मतलब अभी बना रही हूँ, चढ़ा दी हूँ। आप लोगों को सीटी की आवाज़ भी आई होगी तो चलिए फटाफट से खा लेती हूँ मैं, नाश्ता कर लेती हूँ। मंडुए के आटे का आलू पराठा और मिक्स सब्जी। और ये सब ना चीज़ हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं, कभी मतलब इसी त्यौहार में ही बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और नाश्ता करते करते ही मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें आप लोगों को दिखाऊँगी कि शाम को हमारे यहाँ आज के दिन क्या क्या बनता है। शाम को जो जो बनाऊँगी वो सब शेयर करूँगी, उसके बाद क्या क्या करते हैं उसका कैसे कैसे ये सारा कुछ। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे कर देती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।